झनकैया में लगने वाले वार्षिक गंगा दशहरा मेला का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने एक वृद्ध महिला के हाथों फीता कटवाकर मेले का शुभारंभ किया। सीमांत खटीमा विधानसभा के झनकैया क्षेत्र में लगने वाले वार्षिक गंगा दशहरा मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने एक वृद्ध महिला के हाथों फीता कटवाकर किया। इस दौरान गीता धामी ने मेले में घूमकर आनंद लिया और जलेबियों का स्वाद भी चखा, साथ ही मेले में खरीदारी भी की। गीता धामी ने सभी लोगों को गंगा दशहरा मेले की शुभकामनाएं दी। गीता धामी ने कहा, गंगा दशहरा मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस मेले से भारत और नेपाल के संबंध मजबूत होते हैं। आज गंगा स्नान की पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारा जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है, क्योंकि सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल सीमा और यूपी की सीमा जो है वहाँ पर पड़ती है, और वहाँ से भी कई लोग यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मेला रहता है और बहुत दूर दूर से हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो स्थानीय व्यापारी हों चाहे बाहर के हों, वो सभी लोग इस मेले में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी सामग्री को बेचते हैं और सभी लोग खुशी से इस मेले को यहाँ पे आकर के मनाते हैं, और जिससे हमारा भारत और नेपाल का जो मैत्री संबंध है वो भी जो है मजबूत होता है, और सभी लोग इस मेले के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और अपने संबंधों को जो है और मैं समझती हूँ कि उन संबंधों को और मजबूती मिलती है। ये बहुत खुशी का दिन है कि आज इस मेले का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मेले में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। मेला समिति के अध्यक्ष गोपाल बोरा ने कहा कि मेले में सभी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। हमने पानी की व्यवस्था के लिए 3 टैंक मंगा लिए हैं और 4 नल चल रहे हैं ऑलरेडी हमारे। पानी की व्यवस्था काफी सही कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब सही चल रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।